छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के गठन होने के बाद उसके पहले अध्यक्ष बने राजेश अवस्थी मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने फिल्म विकास के गठन और उसके अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम डॉक्टर रमन सिंह को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर राजेश अवस्थी ने कहा कि निगम के गठन के बाद अब काम काज को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में छत्तीसगढ़ फिल्मों का काम बेहतर हो और बाहर के निर्देशक यहां आकर छत्तीसगढ़ के कलाकारों को ले, इसकी प्लानिंग की जा रही है। उनका कहना है कि अब छत्तीसगढ़ी फिल्मों को लोगों का बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हर छोटे से छोटे कलाकार को साथ लेकर काम किया जाएगा। वो दुरुस्त है, हम बहुत जल्द इसका प्रारूप बना के और हम जल्दी से जो भी छत्तीसगढ़ फिल्मों के विकास के लिए जो योजनाएं होंगी हम उस पर काम चालू कर देंगे और पूरे शासन का सहयोग और पूरे कलाकारों का, निर्माताओं का सहयोग और आशीर्वाद है और हम जल्दी इन सब चीज़ों पर काम करना चालू कर देंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि थिएटर्स हर जगह पे मौजूद हों, जिससे कि फिल्म है उनको भी सही समय पे उनका मुनाफा मिल जाए और थिएटर्स की कमी की वजह से फिल्में नहीं चल पाती। और निगम में ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि हम फिल्म सिटी की बात करें, ऐसे बहुत सारे जो यहाँ के कलाकारों को लाभ मिल सकता है, उन सभी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। प्राथमिकता के रूप से थिएटर्स की कमी और ऑडिटोरियम की कमी और फिल्म सिटी और जो हमारे भविष्य में हम चाहते हैं कि मुंबई और बॉलीवुड के भी जो फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, वहाँ यहाँ पे आए और फिल्मों का निर्माण करें। हम ऐसी कुछ योजनाएं बनाएंगे कि यहाँ पे आके फिल्मों का निर्माण करें, जिससे यहाँ के कलाकारों को एक पहचान मिलेगा, नाम मिलेगा और उनको अधिक पारिश्रमिक भी मिलेगा, जिससे उनको सबको लाभ होगा। ये मिलेगा जी, टैक्स फ्री होना चाहिए। अभी इस पर हम सब प्लान कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में आप सभी चीज़ों को यहाँ से प्रारूप मिल जाएगा। सभी चीज़ों पे हो रहा है कि जिससे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को पूरा फायदा हो सके। सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपना वादा पूरा किया है, छत्तीसगढ़ फिल्म का निगम का जो निर्माण किया है और मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और मुझ पर भरोसा किया है सभी ने, निर्माता निर्देशक सभी ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं जो भी हो सकता है शासन के सहयोग से और सभी निर्माताओं के सहयोग से इस पर जो जो प्रमुखता से काम होगा जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा वर्ग है जो विरोध भी कर रहे हैं, तेरा अनुभवहीन व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया है, कोई फायदा नहीं होगा, आप भाजपा से जुड़े हैं, क्या जवाब है जी? ऐसा है कि वो जब सरकार की योजनाओं या जिस पर मैं काम करता हूँ, जिस तरह से मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, मैं पूर्व में भाजपा का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संयोजक भी रहा हूँ, तो इस नाते से और छत्तीसगढ़ में मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ या शासन या डॉक्टर रमन सिंह जी इस पर जो भी फैसला लिए हैं, मैं उस चीज को प्रूफ करूंगा और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको वो चीज करके दिखाऊं कि उनको भी लगे कि किसी अच्छे व्यक्ति को बनाया गया। मैं हमेशा कोशिश करूंगा। ठीक, थैंक यू।